So, अभी हम पहुंच चुके हैं घर और आज हम आए हैं यहाँ पे. किस लिए आए हैं हम यहाँ पर? एक्चुअली स्टिकर लगवाने हैं, हमारे को एंट्री नहीं देते हमारे घर में. बताओ, अभी भी हम जो है विजिटर की तरह एंट्री ले रहे हैं रेजिडेंट होने के बाद भी. अभी हम आज से जो है यहाँ के रेजिडेंट होने वाले हैं. स्टिकर लग जाएगा, मम्मी देखो पीछे बड़ी खुश हो रही है. मम्मी कह रही है मैं दिल्ली से पैदल ही आ जाऊंगी. आपको कैसा लग रहा है अब आप सच में नए घर वाले हो गए हो? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, वो तो लगना ही चाहिए. लगा लो भैया स्टिकर लगा दो. हाँ, सो बेसिकली स्टिकर माने वो गाड़ी पे स्टिकर लगा देंगे, उसके बाद हाँ फिर वो मतलब हमेशा एंट्री हम ले पाएंगे आराम. फाइनली अब से तेरे को कोई नहीं रोकेगा इस घर में आने से. मेरे को तो वैसे भी कोई नहीं रोकता. लास्ट टाइम तू आया कब था ये बता दे बस. घर देखने भी आया तब तक? वो टाइम हो गया यार. इसने घर देखा भी है? इसने तो घर भी नहीं देखा. एक बार देखा. ये होता है इंसान भाई साहब, घर ले लिया पर घर देखा भी नहीं. वाह, कैसा लगता है आपको ऐसी हरकत करके? ओह माय गॉड, बस कुछ भी बोलना होता है. इसलिए आए हैं यहाँ पे, बस ये स्टिकर लगवाने तो इतनी दूर से नहीं आए होंगे. आज हमारे घर का फाइनल उन्होंने लेआउट रेडी कर दिया. सो बेसिकली इंटीरियर डिजाइनर के साथ बात हो चुकी है एंड इंटीरियर वालों ने जो है पूरा लेआउट हमारा फाइनल कर दिया है घर का. तो बस अब हम उनको यस या नो या जो भी चेंजेस वगैरह है वो बताने जा रहे हैं और इसके बाद हमारा घर हो जाएगा अंडर कंस्ट्रक्शन. तोड़फोड़ शुरू. वर्क इन प्रोग्रेस. A few moments later. KFC के सामने खड़े होके क्या देख रहे हैं? तेरे लिए नहीं है ये? एवरी मंथ मम्मी को यूट्यूब $20 भेजता है CPM के हिसाब से. तो तू KFC के सामने क्या कर रहे थे? तू तो वेजिटेरियन है. I've tried to become non-vegetarian lately. KFC पे वेजिटेरियन भी होता है वैसे, तुझे ना पता हो. तेरे को समझाना था. तेरे को कुछ नहीं पता. मैं तेरा IQ टेस्ट कर रहा था. तेरा कुछ नहीं पता. मैं देसी बंदा. तेरे पीठ में दर्द हो रही है? अभी अभी लिटरली गाड़ी से उतरती कह रहे पीठ दर्द हो रही है, अब नाच रहा है. हाँ हाँ, अब दर्द शुरू हो गई इसके. आपके भी कोई दर्द हो रही है? नहीं, मेरा कुछ नहीं हो रहा, मैं ठीक हूं. और मलन साहब के तो हो ही रही होगी कोई ना कोई दर्द. बड़े वाले मलन साहब के बड़े साहब, बड़े वाले मलन साहब के दिल में दर्द है. कह रहे ऐसे दो बेटे मिले हमारे को, दिल में दर्द हुई. पता नहीं भाई, मुझे तो लगता है मैं बहुत शरीफ संस्कारी सुशील. एक है ना, दूसरा तो बिगड़ा हुआ है ऐसा पापा को लगता है. मैं तो क्या बनाऊं बाबा बताओ. अरे मेरी वीडियो बना. गाइस हम यहाँ पे घूमने आए हैं. अरे कैमरा यहाँ मार. घूमने आए हैं देखो. भाई का आउटफिट देख रहा है. सलाम रॉकी भाई. भैया आए थे तुम मिलने. बहुत बड़ा फैन है. थैंक यू. बताओ सक्रिय इंसान. अरे यार आप कहते रहते हो ना. तो देख रहे हो गाइस, हम जो है अपने घर से कई हजार किलोमीटर दूर तो नहीं. हाँ हाँ, श्योर श्योर, आ जाओ यार, आ जाओ. ऑलराइट, तो यहाँ भी मस्त एकदम भाई मिल गए. क्या हो गया? कैसे रिकॉर्डिंग कर रहा है? नहीं, जहाँ भी होगा वहाँ रिकॉर्ड कर रहा है फ्रंट कैमरा से. अभी तो कह रहा था कैसे रिकॉर्ड कर रहा है, अब खुद को निहार रहा है. कैमरे से करना चाहिए रिकॉर्ड. मैं फ्रंट से कर रहा हूँ, मेरी मर्जी. तेरो करने बैक से ये ले, तू कर ले. क्वालिटी क्या मैंने टच क्वालिटी में फर्क आता है एक्चुअली. एक्सक्यूज मी, फ्रंट कैमरा ओपन में जब आप रिकॉर्ड करते हैं ना तो अच्छी क्वालिटी देता है. ओहो, इतनी प्यारी क्वालिटी, इतना ज्यादा क्या लेगा? तेरे जैसे कोई इतना सुंदर हसीन जवान बना दिया. मैं तो कोई सुंदर हसीन जवान. फ्रंट कैमरा से एक्चुअली खुद को देख पाते हैं ना लोग. इसको देख तो ऐसे रहा जैसे इसको समझ आ रहा है. हां बिल्कुल आ रहा है. पूल, होम थिएटर, सोना, गलत आया. सब गलत है, ये हमारा है ही नहीं. Give your dad. पापा जी के लिए. पापा जी है नहीं. पापा जी गए हैं. मम्मी, are you excited to see the final layout? बिल्कुल बिल्कुल. झूठ मत बोलो. क्यों? मम्मी मेरे को कहती तुम सारे शिफ्ट हो जाओ, मैं तो अपने पुराने घर में रहूंगी. चित्र हो मैंने आज के लिए बोला था कि तुम लोग चले जाओ, मतलब तुम करो. मम्मी कह रही है मैं शिफ्ट नहीं होना चाहती, मैं वहीं रहूंगी दिल्ली. मना कर रहा है वो, कह रहा आप ही जाओ. कल्ले कल्ले रहो, कल्ले 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 कल्ले. कोई मेरे को मिला वो कहता है अपनी मम्मी को बहुत तंग करता है, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है. मेरे को तेरे को ये अच्छा लगता है कि मैं मम्मी को तंग करता हूँ, या ये अच्छा लगता है कि मम्मी तंग हो रही है? नहीं, चुप होने के मैं पैसे देता हूँ. मम्मी मेरे को 15 दिन जब से हम वहाँ से गए लास्ट टाइम से, तो मम्मी कितने दिन हो गए? 15, 7 दिन मम्मी से ये कह रही है
कि जिम तेरे फ्लोर पे बन गया तो मैं ऊपर एक्सरसाइज कैसे करूंगी, तू तो मुझे एक्सरसाइज ही नहीं करने देगा, जिम नीचे करा। रोज सुबह उठ के मैं सोच रही हूँ ऐसा कर लेना चाहिए, मैं सोच रही हूँ वैसे कर लेना चाहिए। मैं मम्मी मुझे अपने पर्सपेक्टिव से भी तो कुछ सोच रही है ना, मैं पूल थिएटर क्या यूज करना है, मेरे को तो जिम चाहिए। मैं कहा आपने कर लिया जिम, योर फुट डाउन, नो नो यू मस्ट पुट योर फुट डाउन, ऑफ कोर्स यू मस्ट। थर्ड फ्लोर पे बनेगा मम्मी, नहीं नहीं पूल, नहीं, पूल नहीं, तो मेरे लिए है ही नहीं, वैसे ही मेरे को तो पानी से बहुत प्यार है, मैं पानी कभी पूल बना दो मम्मी ने कह रहा है मैं भाई में डूबी। हमने चेंज नहीं किया सर, एक चेंज सिर्फ यही सोचा है कि जो हम शीशे का सोच रहे थे ना चेंज कराने का सारे घर का, कि उसको फिलहाल रोक दे छोड़ देते हैं, बाकी सारा वैसे ही। अब आप बताइए कि कैसे, पहले मैं नक्शा करता हूँ। हाँ जी ये सारी चीजें बन जाएगी एक ही बेसमेंट में सर, ऑन द स्केल है, डायमेंशन है, आपको मैं ऑटोकैड पे दिखा सकता हूँ। तेरा स्टूडियो भी यही डाल देंगे, तेरा कमरा भी, इसको ऊपर नहीं लाना सर, ये इसको अकेला अलग रखना रात को मम्मी पापा के कमरे में जाके सोने वाला, क्योंकि डर लगता है ये बंदा अकेले फ्लोर पे सोएगा। मैं करके दिखाऊंगा, अब चुप हो जाओ, मसाज देख सीरियस ऑटो गाइड से निकालना। मैं अभी खोल देता हूँ ऑटो गाइड, पता क्या होता है साले तेरे जैसे तेरे जैसे को ट्रेनिंग देता हूँ मैं ऑटो गाइड की, ठीक है, मैं अकाउंट से ट्रेनिंग देता हूँ कॉमर्स स्टूडेंट, ठीक है। ये सुनना अच्छा यहाँ आ गया, दो साल यूज किया ऑटो गाइड मुझे, बस मैंने दो साल यूज करे अकाउंटिंग था, वो भूल गया, जिम जिम नीचे आ गया, टैली टैली यूज करा मैंने दो साल 71 इसको पूरा ऐड करके यहाँ पे स्विमिंग पूल ले लिया था। पर ये लड़ाई, ये अब ये फर्स्ट फ्लोर का नक्शा है, ये सेकंड फ्लोर का नक्शा है, भाई ने बोला है कि मैं इंची टेप से नापूंगा, जो बड़ा होगा वही लूंगा, आधे घंटे से लगा हुआ है, 7 साल से रह रहे हैं हम उस जगह पे, वहाँ पे मेरा कमरा कितना बड़ा है यहाँ से लेके यहाँ तक, और पूरा बेडरूम किसको दिया हुआ है, तुझे, बड़ा भाई ना, बड़ा भाई। अब मेरी बारी है, ज्यादा स्पेस मिलने की। मम्मी इंची टेप से देखो, पापा नोनू के बारे में बड़ा सॉफ्ट दिल हो जाता है इनका, आप ये बताओ तू सेलेक्ट कर ले, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है और ये यहाँ से लेके सर उस हिसाब से ये 18 फुट है और ये बड़ा है सर, ये ऐसे जेन्युइन बोलूं कमरे का ये फर्स्ट फ्लोर ज्यादा बड़ा है, कमरा से फर्क पड़ता है, ओवरऑल स्पेस ज्यादा मिल रही है ना मुझे, पर वो टेरेस में चली जाएगी, कॉमन हो जाएगी, टेरेस भी मेरी हो गई ना, हो गई तेरी, जिसकी छत उसका टेरेस। मम्मी को कहीं भेजो खाने के लिए सामान उठा लेते हैं वहां से, बताओ आदत नहीं गई तुम्हारी। अगलों ने 10 लाख रुपए तो इसके बिस्किट के लिए, मेरे को भी यही लग रहा है मम्मी, सही इतना महंगा सौदा करके आए हो तो 10 लाख रुपए का बिस्किट है। इसको अब मैं संभाल के रखूंगी, वो शो पीस में लगा दो। तो गाइस फाइनली हमने लेआउट डिसाइड कर लिया घर का, और मतलब हम जो पिछली बार करके गए थे उससे भी ज्यादा चेंजेस करा दिए, क्योंकि अब निश्चय भी आता है यार, तो निश्चय ने अपने चेंजेस कराने थे। अब हमें चाहिए बड़ा पूल, चाहिए छोटे छोटे थिएटर, चाहिए छोटी छोटी चीज़ें चाहिए, चल रहा है बजट में का, हम थोड़ा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दोगे तो भगवान के नाम पे बहुत पैसा मिलेगा मेरे को। अब बारी है घर पे जाने की, पीठ में दर्द है, फिर 1.5 घंटा गाड़ी चलाओ भाई, मैं अब ट्रैवलिंग ना हो सकती, हाँ, बूढ़ा हो गया भाई, मैं तो पहले ही गायब हो गया, यही सही निश्चय तो चला गया, कह रहा मैं जा रहा मूवी देखूंगा, मैं यहाँ पीठ तोड़वा के जो फिर गाड़ी चलाऊंगा, ये लड़का बहुत मेहनत कर रहा है इस फुकरा इंसान, सब्सक्राइबर 10 मिलियन वेरी सून करता हूँ। देखो कितना अच्छा व्यू है इसका,